हेलो फ्रेंड्स, मैं मिशी शर्मा। आज आपके लिए ये बहुत सुंदर और प्यारा सा क्रोशिए का पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखो कितना सुंदर और प्यारा बना। इसको मैंने दो कलर भी बनाया है, पिंक और फ्रोजी कलर भी बनाया है। आप इसको किसी भी कलर में अप्लाई कर सकते हो। ये डिजाइन बहुत सुंदर और प्यारा है। आप इसको किसी भी प्रेजेंट पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे बफर में, शॉल में, बच्चे के ब्लैंकेट में और टेबल क्लॉथ में। आप इसको कहीं में भी अप्लाई कर सकते हो। आप इसकी ऐसे करके कारीगर भी बना सकते हो। ये बहुत सुंदर और प्यारा सा लगता है, बनाने में बहुत ईजी है। ये देखो, ये वीडियो मेरी थोड़ी सी 2-3 हफ्ते लेट हो गई, इसलिए सॉरी। ये देखो, अब मैं आपके सामने ये नया सा डिजाइन लेके आई हूँ। अब इसको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये फ्रोजी कलर के मैंने पहले एक और दो चैन बनाकर इसको हमने फर्स्ट वाली में दो चैन बनाई है। फर्स्ट वाली के लेके सिंगल क्रोशे से इसको हमने स्टिच कर दिया ऐसे। फिर हमने दो चैन बनाकर इसमें हमने हमने निकालना नहीं है, ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। फिर दूसरी बार इसी में से डबल क्रोशिया बनाना ऐसे। इसमें ये देखो ऐसे 2, 3 और ये 4, 4 बार बना के हमने सभी को एक साथ निकाल लिया। फिर ऐसे एक बना लिया। इसको हम वैसे पफ बोलते हैं, ये पफ की तरह बनता है। फिर हमने एक चैन बना ली, उसमें हमने फिर इसी में से 1, 2, 3 और ये 4, 4 बना के सभी को एक साथ निकाल के एक चैन बना लिया। इस तरह मैं ये पफ की लाइन 10 बनाऊंगी। आप अपनी लंबाई के हिसाब से जो भी बनाना हो उसकी लंबाई के हिसाब से इसकी लंबाई बना सकते हो। ये देखो, एक 2, 3 और ये 4। ये देखो, ये 4 बना लिए। फिर हमने ऐसे ही इसी तरह 1, 2, 3 और ये 4। फिर सभी का एक, ये बहुत ईजी और बहुत जल्दी बनता है। 1, 2, 3 और ये 4, 4 बना लिए। इसको 1, 2, 3 और ये 4। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए हमारे। अब ये 7वां, 1, 2, 3, 4। चार, ये हमारा लास्ट वाला, 1, 2, 3, 4। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह हमारी ये रो बनकर तैयार होगी। अब हमने इसमें पिंक कलर लगाना है।
कणा को इसमें से निकाल के हमने तीन एक इसको हमने ऐसे टाइट कर लेना, दो तीन चार चैन बनाकर हमने इसको इसी में से डबल क्रोशिया बनाना है। एक ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया। अब हमने इसमें से जो हमने पाफ के बीच में से ये हमारी आती इसमें से डबल क्रोशिया बनाना, एक एक चैन दो चैन सॉरी, फिर इसी में हमने दोबारा से डबल क्रोशिया बनाना, ऐसे आएगा। फिर एक चैन ली इसमें से पाफ के बीच, दोनों पाफ के बीच में से डबल क्रोशिया निकालना, फिर दो चैन ली ऐसे दो चैन बना ली। फिर नेक्स्ट इसी तरह से ये हमारी रो बनकर तैयार होगी। ये देखो इसी तरह बनकर मेरी रो तैयार होगी। देखो ये लास्ट वाला हमारा इधर आ गया, इधर से भी हमने ऐसे ही डबल क्रोशिया से बनाना ऐसे। फिर हमने तीन चैन बनाई, एक दो तीन, इसको बैक किया। अब हमने इस दोनों के बीच में से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना, चैन ली फिर डबल क्रोशिया, फिर चैन ली फिर इसमें से डबल क्रोशिया, इसी तरह ये देखो। ये देखो इसी तरह फिर डबल क्रोशिया, ये देखो ये हमारा हम बनकर तैयार हो गया। दो लहरें दो रो हमने पिंक की डाली थी, एक फ्रोजी की फ्रोजी डाली है उसमें हम पफ डाला, इसमें हमने दो रो में डबल क्रोशिया किया। अब हमने इसमें से दोबारा से फ्रोजी कलर लगाना, इसको ऐसे निकाल के एक चैन बना ली। अब हमने इसी में जो ये दो हैं दो डबल क्रोशिया बनाए, इसमें से हमने एक दो तीन चार बार निकाल के चार का एक बनाया। फिर इसमें से हमने सिंगल से स्टिच कर दिया ऐसे करके,
फिर उसी में से हमने चार बार फिर डबल क्रोशिया निकालना है, एक दो तीन चार, चार का एक ऐसे करके ये दो बनाए, दो डबल क्रोशिया है उसके बीच में से सिंगल क्रोशिया से इसको स्टिच किया ऐसे, फिर इसी में से दोबारा से एक दो तीन चार, चार बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर ऐसे किया, फिर इसको इसी में स्टिच किया ऐसे, फिर इसी में से दोबारा से डबल क्रोशिया चार बार डबल क्रोशिया बनाया, तीन चार, ये देखो इसको हमने चारों को एक साथ निकाल लिया। अब इसमें से स्टिच किया ऐसे, फिर चार बार दो तीन चार ऐसे, ये देखो इसमें से स्टिच किया, फिर इसमें से चार बार एक दो तीन चार, ये देखो फिर इसमें स्टिच किया, इसमें से एक दो तीन चार, फिर इसमें स्टिच किया, ये देखो इसमें स्टिच किया, एक दो तीन चार, इसको ऐसे स्टिच करके इसमें से चार बार एक दो तीन चार, ये हमारी रो पूरी होगी। अब हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर देना ऐसे सिंगल क्रोशे से ऐसे, ये देखो ये वूल अभी हमारी इधर को लाइन वन लाइन है, ये इधर को ख़त्म हुई, हमने इधर को इधर ही रहने देना। अब इधर से जो हमारी पिंक वूल है उधर से हमने रो स्टार्ट करनी है, ये देखो एक दो तीन चार लाइनें बना के इसी में से डबल क्रोशिया द्वारा, फिर वही हमारा मजेंट हमारा चलेगा, ये देखो इधर से फिर हमने डबल क्रोशिया बनाया, एक दो एक चैन, इस दोनों सेंटर में से हमने डबल क्रोशिया उठाया, एक चैन ली, फिर दोबारा उसी में डबल क्रोशिया किया, ये देखो हाँ एक चैन, दोनों के बीच में से डबल क्रोशिया ऐसे, ये देखो इसी तरह से हमारी ये रो पूरी होगी, ये देखो एक दो दो, इसी तरह हमने इसकी दो रो बनानी है, ये देखो ये हमारी इस तरह से ये भी रो तैयार हो गई, इसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया लास्ट वाले में, फिर तीन चैन वापस इसी तरह ये रो हमारी चलेगी।
अब इसको इस तरह से ये देखो इस तरह ये वाली रो दूसरी भी तैयार हो गई। ये पैटर्न कुछ इस तरह हमारा दिखाई दे रहा है। ये देखो दो रो हमारी पूरी होगी। अब हमने इसको ऊल को इधर ही छोड़ देना, जो हमने फ्रोजी ऊन इधर छोड़ी थी इसको हमने इधर से ही स्टार्ट करना है। ऐसे करके ऊपर ले आना, स्टिप से के लेकर ऊपर ले आना। इधर से हमने तीन चैन बनानी, 1 2 3, इसमें से हमने दोबारा से 1 2 3 4 चार क्रोशे बार बना कर सिंगल क्रोशे से निकाल लिया। अब इसी तरह से हमने इसमें से स्टिच करके सिंगल क्रोशे से इधर से उसी में से दोबारा हमने 4 बार डबल क्रोशिया निकालना, 1 2 3 और 4 इस नेक्स्ट वाले में सिंगल, 1 2 3 4 ऐसे। ये देखो ये हमारी ऐसे ये देखो इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो गया। जहाँ से हमारी रो ख़त्म होगी वहाँ से ही हमने दोबारा से शुरू करनी है। ये देखो इधर से हमारा ब्लू ख़त्म हुआ था, अब इधर से हमने इधर को ब्लू कर लिया। अब पिंक इधर से दोबारा से हमारी ऊपर से दो रहने को शुरू होगी। देखो अगर आपको
ये देखो मेरा पैटर्न बन के तैयार हुआ है। ये देखो अगर आपको मुझे मेरा डिज़ाइन पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल का बटन दबा के ऑल का भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ पहले आपके पास आए। ओके, थैंक यू।